बढ़िया है बॉडी बैलेंस। आप क्वेश्चन करिएगा तो मैं बता दूंगा। नहीं नहीं वो तो कर लेंगे। आपकी लाइट बहुत जोरदार है। आपको लगती है इसीलिए ना? नहीं 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 लग नहीं गया, बहुत तेज अच्छी है। नीचे आइए। आ गए हैं, पूछ रहे थे, लीजिए बात कर लीजिए। आज ही तो रात में आए हैं ये लोग। इधर आओ तुम। संतरों तुम इधर से करोगे? हेलो सलाम अलैकुम। नहीं 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 ऐसा नहीं है, बताते हैं आपको इसका डिटेल बता रहे हैं आपको। 1435 बस 1450 साल जी। अपना नाम और परिचय बता दो प्लीज। मैं मौलाना हसीन अहमद हबीबी, सेक्रेटरी मुफ्ती बोर्ड बनारस, शाही इमाम बादशाहबाग। मौलाना साहब आपकी ओर से कोई फतवा आया है आप पार्टी की टोपी को लेकर के, क्या आपने दिया है? मैं और बनारस में मुफ्ती शहर बनारस हजरत मौलाना मोइनुद्दीन फारूकी साहब, हमारे सामने एक सवाल आया कि आप पार्टी की टोपी पर झाड़ू बना हुआ होता है, क्या इसका लगाना मुसलमानों को दुरुस्त है या नहीं? इसके जवाब में मैंने कहा कि आप पार्टी हो या मुलायम सिंह की पार्टी हो या दीगर कोई भी पार्टियां हो, हमको किसी पार्टी से कलाम और मतलब नहीं है कि किस पार्टी की कौन सी टोपी है। हमारा हुक्म और हमारा मतलब ये है कि मुस्लिम पर्सनल्ला जो आज से 1450 साल करीब पहले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आज पूरी दुनिया में उसका नफाज है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान को भी के कानून को मानना अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन जो कानून मुस्लिम पर्सनल्ला के ख़िलाफ़ होता है हम उसे तस्लीम नहीं करते। टोपी हर मुसलमान के लिए, टोपी से ज़्यादा अहमियत इमामा शरीफ की है। एक हदीस में सरकार फरमाते हैं अलामाए मोती यानुल अरब व इज़्ज़ुल मुस्लिमून, कि इमामा अरब वालों का ताज और मुसलमानों की इज्जत है, जब इसे ये उतार देंगे तो अपनी इज्जत खो देंगे। आज मुसलमानों की अक्सर तादाद बगैर टोपी के घूमती और रहती है, और इधर कुछ दिनों से आप पार्टी के लोगों ने, जो मुसलमान शामिल हुए हैं आप पार्टी में, उनको ये शौक़ हुआ है कि हम ये टोपियाँ लगाया करें, या लाल रंग की टोपी किसी पार्टी की लगाते हैं या पीले रंग की टोपी, इस तरह कोई भी टोपी इस्लामी टोपी को छोड़कर लगाना ये मुसलमानों को जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नहीं आप पार्टी की टोपी पे क्या इतराज़ है आपको? नहीं आप पार्टी से मेरा मतलब नहीं है, मैं फिर कहूँगा कि आम आदमी की पार्टी यानी आपकी टोपी जिस पे झाड़ू बनी हो, अगर झाड़ू ना भी बनी हो, झाड़ू बनी है ये तो और भी ज़्यादा ख़राब है। ये उनका सिंबल है, ट्रेडमार्का है, हर पार्टी को इख्तियार है कि अपनी पार्टी का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उनके सिंबल पर कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन जो मुसलमान इस टोपी को लगाते हैं उनके लिए शरीयत का हुक्म है कि वो गलत करते हैं, उनको बचना चाहिए।
तो सारे मुसलमानों को क्या आप की ओर से? शरीयत का जो पैगाम है हमारा अपना नहीं है, शरीयत जो है वो मुस्लिम परसनल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कहा जाता है। सारे मुसलमान अगर आप पार्टी में शामिल हैं बिला शुबा वो शामिल रहें। एक पार्टी ऐसी है कि आज इसने पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब पैदा कर दिया और हिंदुस्तान के सिस्टम को जो खराब है उसे बदल कर सही लागू करना चाहिए। ये सराहनीय है, ये बात आम आदमी पार्टी का काम जो चल रहा है मुझे उससे एतराज़ नहीं बल्कि मेरी हिमायत है। हालांकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं, ना मुझे सियासत से करीब जाना है, लेकिन उनके काम अपनी जगह सब दुरुस्त हैं। लेकिन मुसलमान जो आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं इनको ऐसी टोपी जिस पर झाड़ू बना हुआ है इससे परहेज करना चाहिए। क्या इस मामले में आप केजरीवाल को भी लिखेंगे क्या? हमने कल मुफ्ती बोर्ड की बैठक में और हमारे मुफ्ती शहर बनारस हम लोगों ने सोचा था उनसे कि एक लेटर लिख दिया जाए और कहा जाए कि आम आदमी पार्टी का जो आपका सिंबल है उसको और जगह इस्तेमाल किया जाए। टोपी खुद आपकी एक अपनी पहचान है, अगर उससे झाड़ू हटा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई फतवा जारी किया आपने इस बारे में? हाँ हाँ, हमारे वहाँ मुफ्ती बोर्ड की बैठक में हजरत मुफ्ती शहर बनारस के सामने हम लोगों ने लोगों तक ये बातें पहुँचाई हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, लेकिन इस ऐसी टोपी से बचें जिस पर टोपी की इज्जत ना हो बल्कि उसकी तौहीन नुमाया हो। टोपी सर का ताज है और सर के ऊपर वो चीज़ रखनी चाहिए जो इज्जत की चीज़ हो। जूता चाहे जितनी ज़्यादा कीमत का हो, मोज़ा चाहे जितनी ज़्यादा कीमत का हो, अगर किसी के सर पर रखेंगे तो वो सर के साथ जुल्म है, इंसाफ नहीं है। जो चीज़ जहाँ की है वहीं रहना चाहिए। झाड़ू चाहे जितनी ही अच्छी हो, बहरहाल झाड़ू है, लिहाजा वो टोपी पर उसका मकाम नहीं है, उसे टोपी पर नहीं रखना चाहिए। और इंद्र ये केजरीवाल जी तक अगर चैनल के ज़रिए मेरी बात पहुंचती है तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो अपना सिंबल झाड़ू जहां जहां इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन कम से कम इंसानों के सरों को, सिर्फ मुसलमान नहीं चाहे हिंदू या मुसलमान, इंसान बहरहाल इज्जत वाला है, तकरीम वाला है, उसकी इज्जत होना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, सर के ऊपर झाड़ू को अगर हटा दिया जाए तो ये केजरीवाल जी की एक मेहरबानी होगी मेरी ज़ाती अपनी राय में कि वो सिंबल अपना इस्तेमाल करें, लेकिन सर की टोपी से अगर झाड़ू को हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रावधान क्या है इसका जिस की बात हो रही है? हाँ, संक्षेप में जाने। हाँ हाँ, प्रावधान इसका ये है कि टोपी जो खासकर मुसलमान है, मुसलमानों के लिए हुक्म ये है कि वो इमामा शरीफ और टोपी सिर्फ इस्लामी इस्तेमाल करें, ना किसी पार्टी की। जो जिस फतवे की बात हो रही उसका क्या प्रावधान है, कैसे उसको मतलब उसको लाया जाता है उसमें? जब भी कोई ऐसी चीज इस्लाम के जो जिम्मेदारान हैं, जो जिनको मुफ्ती कहा जाता है, जब मुफ्तियों के सामने कोई ऐसे मसाइल आते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होता है तो उस पर चर्चा करके वो लोग सर्वसम्मति से उस चीज़ का ऐलान करते हैं, उसे फतवा कहा जाता है। ये चीज़ें कहाँ से उठी थी आप तक ये जानना चाहूँगा। आपके पास किन लोगों ने इस तरह की दरख्वास्त की कि हाँ ये गलत है? बनियाबाग में मरकज़ी दावत इस्लामी जुलूस मुहम्मदी कमेटी का एक बहुत बड़ा जुलूस 14 जनवरी 2014 मंगल के दिन यहाँ एक तारीखी जुलूस उठता है जिसमें तकरीबन मीडिया की जो रिपोर्टिंग होती है कि 2 लाख से कम लोग नहीं होते हैं, आसपास 2 लाख के लोग थे। तो वहाँ मंच पर कुछ लोगों ने ये बात हमसे पूछी और वहीं पर राष्ट्रीय सहारा हिंदी के ये रिपोर्टर जैद अख्तर सिद्दीकी अमन साहब भी थे तो वो बातें सुन रहे थे। सुनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा और फिर अखबार में दिया। बाकी जिन लोगों ने मरकज़ी जुलूस मुहम्मदी कमेटी का, चूंकि मैं सेक्रेटरी भी हूँ और मुझसे लोगों ने बहसियत मुफ्ती सवाल किया तो मैंने उन लोगों को बताया ये चीज़। और इसके बाद फिर इसके बाद मैंने मुफ्ती शहर बनारस हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अहमद क़िबला फरीदी फ़ारूक़ी शकर तालाब आस्तान हमीदिया के सज्जादा नशीन, उनके सामने भी मैंने कल बात रखी। फिर और भी लोग थे, फिर मीटिंग की शक्ल में ये बात तय हुई तो ये कहा गया कि नहीं, मुसलमानों को हर उस चीज़ से बचना चाहिए जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमानों के आइडियल हैं क़यामत तक के लिए, सिर्फ आज तक के लिए नहीं, उनका जो फरमान है वो क़यामत तक हर मुसलमान पर नाफिज होगा, उन लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए। ये मौखिक तौर पे ही दिया है कुछ लिखित आपने? नहीं, अभी तो मैंने ज़बानी बयान किया था, इसको तहरीर में भी नहीं दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो तहरीर भी दे दूँगा। केजरीवाल को चिट्ठी आप लोग कब लिख रहे हैं? आज जुमा के बाद बात करते हैं, हम उनको चिट्ठी लिख के भेजते हैं और उम्मीद है कि चूंकि आम आदमी पार्टी का मतलब और मकसद ये है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा निज़ाम नाफिज किया जाए जिससे हर आदमी जुड़े और उसका नाम ही उन्होंने रखा है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए जो कदम इन्होंने उठाया है
जिसमें आज तक हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता सिर्फ हिंदुस्तान को नोचने का काम कर रहे थे। अक्सर लोग, शायद ही कम लोग ऐसे हों जिन्होंने वतन की मोहब्बत में काम किया हो। इनके इब्तदाई अब तक के जो काम हैं वो कोई ऐसे नहीं नज़र आते जिस पर कमेंट किया जाए, बल्कि इनकी तारीफ़ की जाती है। और अगर इनकी पहुँच हम तक हुई या हमारी पहुँच इन तक हुई, क्योंकि यहाँ हमें ये मकसद नहीं कि लोग हमारे आएँ, बल्कि वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। वतन एक ऐसा मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नज़र नहीं आती। जहाँ आज देखिए गुदौरिया चौराहे पर जब हमारा जुलूस उठा, तो अक्सर जब लोग जुलूसों में चलते हैं तो रास्ते रोक देते हैं, लेकिन मैंने अपने जुलूस को बीच बीच में रोक कर, जो मकर संक्रांति पे नहान करने में जाने वाले लोग थे, मैंने अपने जुलूस के बीच में से उन लोगों को दो चार मरतबा नहीं बारहा मैंने जगह दिया, और जुलूस को दो फट में करके हमने मकर संक्रांति के नहान करने वालों को राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने दिया गिरजाघर से, और जो लोग उधर से नहान करके निकल रहे थे उनको मैंने वापस किया। और गोदौलिया चौराहे पर बनारस के एडीएम सिटी साहब, एमपी सिंह साहब और यहाँ के एसपी सिटी राहुल राज जी, ये लोग देख रहे थे। इन लोगों ने इस काम की सराहना की कि देखिए इतना बड़ा जुलूस जो 2 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर बिरादरान वतन यानी हिंदू भाइयों को जुलूस के बीच में से जगह बनाकर जुलूस वालों ने जाने दिया, जो बनारस गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल सुनने को नहीं बल्कि देखने को मिली। हमेशा तो सुनी जाती थी कि बनारस गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, लेकिन इस साल मकर संक्रांति पर जब जुलूस मोहम्मदी, जो मरकजी दावत इस्लामी के जुलूस मोहम्मदी कमेटी के ज़ेर अहतमाम उठा, इसमें बनारस में गंगा जमुनी तहजीब मिसाल आंखों से लोगों ने देखा गुदौलिया चौराहे पर। अहमद हबीबी, मुफ्ती बोर्ड बनारस का मैं सेक्रेटरी हूँ और शाही जामा मस्जिद का शाही इमाम हूँ।